Hello ladies, good morning. My name is Chaitali Joshi and I am a manager from Action Party Cells. And आज हम लोग बनाएंगे इंस्पायर में गेहूं के बिस्किट जो गैस पर ही बनते हैं. तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. 1 स्नेक कप ऑफ घी और 1 स्नेक कप मैंने पाउडर शुगर ली है जो मैंने स्ट्रेन कर ली है ताकि उसमें कुछ लम्सेस ना रह जाए. और 1 स्नेक कप गेहूं का आटा और दूसरे स्नेक कप में 1/2 स्नेक कप मैंने गेहूं का आटा और 1/2 स्नेक कप चने का बेसन लिया है जो फाइन बेसन है और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर वाला मिल्क है और थोड़ा सा इलायची पाउडर. तो ये हम सब मिक्स करके आज बनाएंगे इंस्पायर में अपने बिस्किट्स. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग ये घी इसके अंदर डाल देते हैं बाउल में. ये रूम टेम्परेचर वाला घी है, ना ही फ्रिज का ठंडा और ना ही पूरा पिघला हुआ. देख सकते हैं इसलिए इसके अंदर ये पोर हो जाता है. और इसके अंदर जो हमने शुगर ली है वो डाल देते हैं. ये मैंने पहले से स्ट्रेन कर लिया है ताकि कुछ भी इसमें लम्से से कुछ भी दाने हो वो ना रहे, ताकि ये इजीली मिक्स हो जाए. अब हम इसको विस्क कर लेते हैं. ये देखिए इस तरह से, जब तक ये पूरा हल्का ना हो जाए तब तक हमें इसको विस्क कर लेना है. चने के लोट का बेसन, ये इसको ये मैंने मिक्स कर दिया. फ्रिज में रखा था और ये पूरा जम गया है. ये पूरी इसकी गोलियां आराम से बन सकती है. और ये है हमारा टपरवेयर का स्मार्ट चॉपर जिसके अंदर मैंने आलमंड डाली है और इसको हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं. सो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट डेट्स के स्मार्ट चॉइस, जो आपका काम जो है वो मिनटों का काम वो चुटकी बजाते कर देता है. तो स्टार्ट. ये देखिए इस तरह से उसका पूरा मैंने चॉप कर लिया है. हम इसको निकाल देते हैं. और इसको तवे पर कैसे करना है, तो नीचे कोई भी एक साधारण सा पैन ले लीजिए और उसको गर्म होने के लिए रख दीजिए और इसको अच्छे से पूरा गर्म होने देना है. और तब तक ये जो मेरा इंस्पायर है, इंस्पायर पैन को मैं इसके ऊपर रख दूंगी. तो लेकिन पहले उसको मैं आपके इसकी खोई बता दूं किस तरह से. ये हमारा जो पैन है वो स्टेनलेस स्टील का होता है, पूरा सर्जिकल स्टील होता है. और इसके जो नीचे है वो भी अच्छे से पूरे पैक किए हुए होते हैं. ये देखिए ये मैंने कितने सालों से यूज करूँ पर इसका ये जो प्रिंट हुआ है वो अभी तक निकला नहीं है. इसका हैंडल जो होता है वो बैकलाइट का होता है और ये इसको ऐसे बंद कर देते हैं. जब आपको इसके अंदर कुछ गर्मी रखनी हो तो आप इसके अंदर ये स्टीम रखनी हो तो ये जो वाल्व है वो उसको बंद कर दीजिए. और अगर ये स्टीम रिलीज करनी हो तो ये यहाँ से आप खुला कर दीजिए तो इसकी वजह से स्टीम बाहर आ जाएगी. और ये पूरा हमें ढक के रखना है. पर इसके अंदर हमें क्या करना है कि पहले ये जो बटर पेपर है वो यहाँ पे लगा देना है. तो इसके लिए हम पहले इसमें घी से थोड़ा ग्रीस कर देंगे. गोलियां बना लेते हैं हम लोग.
હેય ગર્લ્સ મારા બિસ્કિટ્સ રેડી છે યુ કેન સી બહુ સરસ થઈ ગયા છે જો પાછળ પણ બહુ સરસ બેક થઈ ગયા છે અને નીચે ચીપક્યું પણ નથી કાંઈ પણ આપણા ઇન્સ્પાયરનો જ કમાલ છે અને આને આપણે તોડીને જોઈએ છે કે કેવા થયા છે જો એકદમ સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી પણ થયા છે